7 विकेट से हराया। हार्दिक सूर्य कुमार की शानदार बल्लेबाजी, 128 का टारगेट, 11.5 ओवर में चेस किया अर्शदीप चक्रवर्ती को 3-3 विकेट। अर्शदीप और चक्रवर्ती को 3-3 विकेट, 128 का टारगेट, 11.5 ओवर में चेस किया। तो भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। हार्दिक सूर्य कुमार की शानदार बल्लेबाजी रही, 128 का टारगेट, 11.5 ओवर में चेस किया। अर्शदीप चक्रवर्ती को 3-3 विकेट मिले हैं। अर्शदीप और चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। मनोज जोशी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोज जी, 7 विकेट से भारत ने बांग्लादेश को हराया, एक अच्छी शुरुआत एक तरह से भारत की। अनम्यूट करिए। जिस तरह से भारत ने क्लीन स्वीप किया था टेस्ट क्रिकेट में और वही कुछ फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया है T20 क्रिकेट में, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। ये यंगिस्तान की जीत है, क्योंकि उनकी अगर आप एवरेज एज देखें, उनके तजुर्बे को देखें बांग्लादेश के खिलाड़ियों के, तो वो हमारे से कहीं ज्यादा ऊपर थे। लेकिन यंगिस्तान ने दिखाया कि T20 क्रिकेट का फॉर्मेट किस तरह से खेला जाता है। इसमें लंबी पारियों का कोई मतलब नहीं होता, आप अपने स्ट्राइक रेट पर ध्यान दें। अभिषेक शर्मा को देखें, तस्कीन पर जिस तरह से उन्होंने एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर अपनी अप्रोच दिखाई, यही काम तस्कीन पर सूर्य कुमार ने किया, यही काम तस्कीन पर हार्दिक पांड्या ने किया, जो आखिर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर मैच जितवाया। अगर आप 20 ओवर का मैच 12 ओवर के अंदर ही जीत जाते हैं, तो आप भारत की प्रतिबद्धता का और भारत के जो विस्फोटक अंदाज है T20 क्रिकेट के लिए, जो सबसे जरूरी होता है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं जी। और साथ ही देखिए, जिस तरह से शुरुआत हुई है, ये पूरी उम्मीद है कि एंड भी भारत के हिस्से में, भारत के पाले में आती हुई नजर आएगी। जिस तरह से शुरुआत भारत ने की है, अब क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से चाहे अर्शदीप की बात हो चाहे चक्रवर्ती को की बात हो, दोनों ने 3-3 विकेट लिए हैं, आप कैसे देख रहे हैं बॉलिंग की को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए, बॉलिंग भारत की बहुत ही वर्ल्ड क्लास रही। जिस तरह से अर्शदीप ने अपने रनअप में बहुत तेजी लाए हैं, स्विंग बहुत जबरदस्त है उनके पास, और स्विंग के साथ साथ बीच बीच में शॉर्ट गेंद का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत विविधतापूर्ण गेंदबाजी है उनकी, वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उन्होंने स्विंग पर जिस तरह लिटन दास को आउट किया, जिस तरह से उन्होंने शॉर्ट गेंद पर परवेज हुसैन को आउट किया, और आखिर में चलते चलते यॉर्कर पर एक विकेट और उन्होंने चटकाया। इसी तरह वरुण चक्रवर्ती को देखें, 3 साल बाद उन्होंने वापसी की है शानदार तरीके से, और तोहित हृदय, जो कि उनके बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, उनको आउट किया। तो कुल मिलाकर जो है, बांग्लादेश के जो विकेट गिरे हैं, आड़े तिरछे शॉट लगाने के प्रयास में उनके विकेट गिरे हैं। पुल शॉट पर ही अगर आप देखें, तो 4 खिलाड़ी पुल शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए हैं। लेकिन भारत के खिलाड़ी अगर आप देखेंगे, तो ज्यादातर प्लेयर सीधा खेले हैं, स्ट्रेट खेले हैं। ये विकेट की जरूरत थी, विकेट की डिमांड थी, क्योंकि पिच पर गेंद जो है, पिच टिप्पा पड़ने के बाद बहुत नीची आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने जहाँ पर अच्छे खासे कंधों का इस्तेमाल करते हुए उछाल का इस्तेमाल किया, अच्छा खासा उन्हें उछाल मिला, जो बांग्लादेश के गेंदबाज नहीं उसका फायदा उठा पाए। और वहीं अगर भारत की आप बल्लेबाजी देखेंगे, तो किसी ने भी बहुत टिककर बहुत लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की जरूरत महसूस नहीं की। बस ये था कि ओवर जितने कम से कम ओवरों में आपको ये लक्ष्य को हासिल करना है, वो आप कीजिए। अभिषेक को देखें आप, संजू सैमसन को देखें आप, संजू सैमसन ने जिस तरह शरीफुल इस्लाम की क्लास लगाई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई T20 क्रिकेट, कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई मैच चल रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारे जो यंगिस्तान है, या जो हमारे जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वो भी बहुत ताकतवर और बहुत ही मैच्योर खिलाड़ियों को बहुत उन्होंने बौना बना दिया अपनी शानदार बल्लेबाजी से जी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अर्शदीप और चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया है। हार्दिक सूर्य कुमार की शानदार बल्लेबाजी रही,